हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में लंब वृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन का अध्ययन किया था। अब चलिए इस वीडियो में हम लंब वृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखें। मानस देखो, यहाँ सर्कस लगने वाला है। हाँ थॉमस, मुझे सर्कस बहुत पसंद है। देखो ये सर्कस का तंबू कितना विशाल है। इसे बनाने के लिए कितने कपड़े का इस्तेमाल हुआ होगा? ये ज्ञात करना तो बहुत आसान है, ये भी हम गणित के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अरे वाह, इसका मतलब ये गणित का समय है। देखो मानस, ये तंबू किस आकार का है? तंबू शंकु आकार का लग रहा है। बिल्कुल ठीक, और क्योंकि इस तंबू में केवल इस वक्र पृष्ठ को बनाने के लिए कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, हम कह सकते हैं कि तंबू में इस्तेमाल हुआ कपड़ा शंकु आकार तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा। अच्छा, मुझे तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जुबानी याद है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और एल के गुणनफल के बराबर है, जहां आर और एल क्रमशः शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई है। तंबू के आधार की त्रिज्या तो हम इस बंबू के तल के केंद्र से तंबू की परिसीमा तक नापकर ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन तंबू की तिर्यक ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी बहुत आसान है। क्या तुम्हें याद नहीं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L को हम इस सूत्र के द्वारा उसके आधार की त्रिज्या R और ऊंचाई एच के नापों को लिखकर ज्ञात कर सकते हैं। अरे हाँ, और तंबू की ऊंचाई एच तो इस बंबू की ऊंचाई के बराबर है। चलो मैं जल्दी से तंबू के आधार की त्रिज्या नाप लेता हूँ और तुम इस बंबू की ऊंचाई नाप लो। तंबू के आधार की त्रिज्या 24 मीटर है और इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। चलो मैं जल्दी से क्रमशः R और H की जगह इन्हें इस सूत्र में लिखकर सुलझा लूं। देखो थॉमस, तंबू की तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर है। अरे वाह मानस, चलो अब हम तंबू के आधार की त्रिज्या 24 मीटर और उसके तिर्यक ऊंचाई 26 मीटर को इस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र में क्रमशः R और L की जगह लिखकर इसे हल कर लें। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1961.14 वर्ग मीटर है। इसका मतलब ये तंबू 1961.14 वर्ग मीटर कपड़ा इस्तेमाल करके बनाया गया है। ये तो सच में बहुत विशाल है। चलो अब हम अपनी दुनिया में लौट चलें, सर्कस बस शुरू ही होने वाला है। दोनों दोस्तों ने मिलकर सर्कस का खूब आनंद उठाया। इस उदाहरण के साथ हमने देखा कि किस तरह लंब वृत्तीय शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन पर आधारित हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल किया जा सकता है। अगले वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ और मजेदार उदाहरण देखेंगे।